हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोहनलाल कन्वर सर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताएंगे। सोहनलाल कन्वर ने 1970 में आई मूवी पहचान से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में मनोज कुमार, बबीता, बलराज सैनी और डैनी ईरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 लाख रहा। भारत में कमाई 1,20,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,30,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1971 में डायरेक्टर सुरेंद्र मोहन की मूवी आई सीमा। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सोहनलाल कन्वर। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश रोशन, कबीर बेदी, सिमी गरेवाल और पद्मा खन्ना शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1972 में सोहनलाल कन्वर की मूवी आई बेईमान। इस मूवी के लीड कास्ट में मनोज कुमार, राखी, प्राण, प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2,25,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,45,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1975 में डायरेक्टर जीतू ठाकुर की मूवी आई दो झूठ। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सोहनलाल कन्वर। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, अरुणा ईरानी, कामिनी कौशल, प्राण और प्रेम चोपड़ा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। इसी साल सोहनलाल कन्वर की मूवी आई सन्यासी। इस मूवी के लीड कास्ट में मनोज कुमार, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा और अरुणा ईरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 82 लाख रहा। भारत में कमाई 4,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल सोहनलाल कन्वर की छठी मूवी आई नाटक। इस मूवी के लीड कास्ट में विजय अरोरा, मौसमी चटर्जी और नाजिमा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1977 में डायरेक्टर राम कलकर की मूवी आई दुनियादारी। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सोहनलाल कन्वर। इस मूवी के लीड कास्ट में नूतन, प्रशांत सैनी, विनोद मेहरा, विनिया गोस्वामी, असरानी और ओम प्रकाश शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1979 में सोहनलाल कन्वर की मूवी आई आत्मा राम। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद मेहरा, विनय गोस्वामी, शत्रुघ्न सिन्हा, फरीदा जलाल, प्राण, अरुणा ईरानी और अमजद खान शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1981 में डायरेक्टर सुरेंद्र मोहन की मूवी आई धनवान। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सोहनलाल कन्वर। इस मूवी के लीड कास्ट में राइस खन्ना, रीमा रॉय, राकेश रोशन, अरुणा ईरानी और ओम प्रकाश शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1984 में सोहनलाल कन्वर की मूवी आई आपी पेट का सवाल है। इस मूवी के लीड कास्ट में राज खन्ना, जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा, टीना अंबानी और रति अग्निहोत्री शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1985 में सोहनलाल कन्वर की मूवी आई आवारा बाप। इस मूवी के लीड कास्ट में राज खन्ना, मीनाक्षी, राजन सिप्पी, माधुरी दीक्षित, ओम शिवपुरी और ओम प्रकाश शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सोहनलाल कन्वर की एक और मूवी आई पैसा ही पैसा। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी, देवन वर्मा, ओम शिवपुरी और अमरीश पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1986 में डायरेक्टर राधाकांत की मूवी आई स्वार्थी। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सोहनलाल कन्वर। इस मूवी के लीड कास्ट में सुरेश ओवर रॉय, रोहिणी और अनुपम खेर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1990 में सोहनलाल कन्वर की मूवी आई तड़प। इस मूवी के लीड कास्ट में नाना पाटेकर, चंकी पांडे, मीनाक्षी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,52,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। और यही अब तक की सोहनलाल कन्वर सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको सोहनलाल कन्वर सर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।